जहाँ पे एक मटका हुआ करता था। शरबत पिए है, फ्रूट खाए हैं। सब लोग प्लान करते हैं, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब लोग ठीक होंगे, ठीक है ना। तो यार वी आर हू के सारा कुछ सेट वेट करके अभी हम लोग जा रहे हैं जो मेरा पिंड है, मतलब मेरे डैडी का पिंड है। नाम नहीं बताऊंगा, अभी चलेंगे तब बताऊंगा नाम क्या है। किसी बोर्ड वगैरह पर अगर दिख गया नाम तो, नहीं तो इवन आई डोंट नो, मतलब नाम मेरे को पता है, इवन आई डोंट नो वहाँ पे बैरिकेटिंग मतलब बैनर होगा या नहीं होगा। सो लेट्स जस्ट गो। गाड़ी खड़ी है सामने, ताजी छोड़ेंगे नीचे तक, वहाँ से लेंगे फिर हम बस और बस से जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन। चल ये है चौमी प्यारा। गंदी कितनी है गंदी कितनी है ये। बार बार जाके लेट रही है कि मेरे को लाड करो। आ चुके हैं अपने गांव, नाम है गांव का कोठिया। एंड इतने साल बाद आ गए ना, मेरे को अभी भी याद है लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पे लंगर लगा हुआ था। दीदी यहाँ पे लास्ट टाइम लंगर लगा हुआ था ना, बहुत कुछ खाया यार यहाँ पे, शरबत पिया है, फ्रूट खाए हैं, दाल चौल मानी, एक ही बात है। जुलाई दी, जून दी, पांच तारीख, जून दी पांच तारीख, देरिया माता का हमारे होता है जग, होता है बहुत बड़ा होता है तो उसी के लिए पेंट। पर बात सारी ये है कि जो परिवार पहले रहते थे वो रहते नहीं है, जो बहुत पहले से रह रहे वही रह रहे हैं। अब गांव में वो वाली बात नहीं रही जो पहले थी, अब गांव चेंज हो चुके हैं। पहले पहले तक आप आते हो ठीक है, कोई बात नहीं। आई एम जस्ट इकट्ठा रख रहा हूँ अभी अपने आप को, क्योंकि आप आते हो अपने गांव 8 साल बाद 9 साल बाद। मेरे को नहीं याद मैं लास्ट टाइम कब आया था, आई गेस मेरे को 8 साल के आसपास हो चुके हैं। 8 साल पहले जो मेरा घर था उसकी कंडीशन मेरी आंखों में आज तक वही थी कि वैसा ही होगा, बट सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे ना पूरा ऐसा होता था, वो नहीं बनाते गोबर का बनाते हैं, मतलब ऐसे हाथ से पीत के जो बनाते हैं ज़मीन, वैसी थी। वहाँ पे गायें और भैंसें थी, वो हमारा वॉशरूम था, यहाँ पे हम रखते थे गायों के लिए चारा, यहाँ पे एक मटका हुआ करता था और यहाँ पे घास काटने वाली मशीन। ये हमारी रसोई है जो लगभग ख़त्म हो चुकी है। फिर आता है घर की बारी, ये है घर की हालत। लिटरली इतने साल बाद आके और ये इमेज जब अपने घर की दिखती है ना तो दिल रोता है अंदर से। मतलब क्या बोलूं, दिस इज एविडेंस एंड जो भी इसे देख रहा है यू गाइज हैव माई वर्ड। एक दिन जब सब ठीक हो जाएगा ना, मतलब मैं ठीक ठाक स्टैंड हो जाऊंगा, पैसा ठीक ठाक होगा, इस घर को रीबिल्ट ज़रूर करूंगा। आई नो वैसी वाली यादें नहीं रहेंगी, पर एटलीस्ट इस घर को जो आज कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका नक्शा बदल दूंगा। मार्क माय वर्ड्स।
आई एम मैन ऑफ माई वर्ड्स, ये चीज़ होगी अब। मैं लिटरली यार मैं कैसे बताऊँ, अंदर से ना दिल रो रहा है। हाँ ले जाए इसे साथ में। हाँ तो ये ऐसे कर, अगर इसके मुंह में से निप्पल, यहाँ निप्पल हुआ करती थी, इसके मुंह से निप्पल निकाल दो तो ये हुआ करती थी, ये रोती थी। ऐसे ऐसे खड़ी करो तो आंखें खुली हुई, ऐसे करो तो सोई हुई, ऐसे करो तो खुली हुई, ऐसे करो तो सोई हुई। लिटरली भाई क्या हालत हो गई है घर की। छोड़ो यार मेरा ना, अब लिटरली मन अंदर से अजीब अजीब बहुत गंदा हो रहा है सामने। मुझे पता है कि कुछ लोग ना इस वीडियो को देख के, आई नो दैट पर्टिकुलर पर्सन, जिनको ये वीडियो देखने के बाद ना वो लोग हंसेंगे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। लुक तुम्हें कदर नहीं थी, हमें कदर है, हमारी यादें जुड़ी हैं बहुत अच्छी वाली, तुम्हें शायद फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। एंड तुम क्या सोचते हो उससे मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये घर रिबिल्ट हो के रहेगा। जिमी जिमी अगर आप इसको देख रहे हो, इसके ऊंचे डोगू को, सो यू नो वेयर आई एम राइट नाउ। अभी मैं हूँ रामगढ़ में, मेरे पास है क्यूट सा जिमी। तो अभी यहाँ से जाएंगे जोधपुर वापस। सीन ये है कि आज रात की ट्रेन बुकिंग है चुकी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके निकले हुए को भी, और मेरे भी काफ़ी सारे काम रुके हुए हैं इस वजह से, दीदी के भी एंड ऑफ कोर्स डैडी के भी। सो निकलेंगे यहाँ से आज रात को और कल सुबह पहुँचेंगे हम अपना डेस्टिनेशन, ठीक है, बढ़िया करके। अच्छा लगा मेरे को इतने सालों बाद आके, इतना भी मतलब ठीक ठीक लगा, खासकर वो शॉप वाला इंसिडेंट छोड़ दो तो वो बहुत बैड एक्सपीरियंस था यार। छोड़ो कभी और बात करेंगे उस बारे में, चलो। If you are watching this, it means, तो ये भी तो ठीक ही है। दिल्ली की ट्रेन में बैठ चुके हैं, अभी ट्रेन यहाँ से चलेगी, आई डोंट नो द टाइम, पर अभी टाइम हो रहा है 8:19, आई थिंक इज गुड एंड फाइन। अंदर चलो, बैग बुक रखो, चलो। हाँ जी, पापा लाइन के लिए दिक्कत है, बीच सीट मिल जाए। सो बैठ चुके हैं अभी ट्रेन में, ट्रेन चलेगी 9:10 या 5 मिनट के आसपास, आई डोंट नो द क्लियर टाइम। एंड धौलपुर में कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, पानी है नहीं है, देख वहाँ वॉशरूम है। अच्छा बाथरूम है ना इधर। सो मैं कह रहा था कि बैठ चुके ट्रेन में, एंड अभी टाइम हो रहा है 8:28, 9:10 तक ट्रेन चलेगी यहाँ से, सुबह पहुँचा देगी 6 या 7 बजे के आसपास। सो अगर वीडियो यहाँ तक देख रही है तो वीडियो को लाइक करें बिना मत जाना, और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, डू कमेंट भी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।